हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स चैप्टर 5 पार्ट 3 फ्लोर पैटर्न्स। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर पैटर्न व्हिच हैज डिजाइन? क्या आपने फ्लोर पैटर्न्स ऐसे देखी है जिसके ऊपर डिजाइन हो? ये रही फ्लोर पैटर्न। डू यू नो हाउ दिस डिजाइन्स आर मेड? आपको पता है ये डिजाइन कैसे बनती है? दिस डिजाइन्स आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विद स्मॉल टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी डिप। ये जो डिजाइन है वो पूरे फ्लोर को कवर करती है और वो छोटी छोटी टाइल्स को एक दूसरे के साथ फिक्स करके कोई भी जगह रखे बगैर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स। ये शेप टाइल्स के देखिए और इसको कैसे फिट किया जाता है वो भी देखिए। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा फ्लोर पैटर्न। नीचे है, नाउ लुक एट दिस टाइल विथ सिक्स साइड्स। ये सिक्स साइड्स वाली टाइल्स है और इसको हम हेक्सागन बोलते हैं। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कंप्लीटली विदाउट एनी गैप। ये रही हेक्सागन शेप वाली टाइल्स जो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है कोई भी गैप के बगैर, तो इसको हम बोलेंगे इंटरकनेक्टेड हेक्सागन। एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए या तो ज्वाइन किए हुए हेक्सागन्स। नंबर वन है, अमंग द फॉलोइंग, ये जो नीचे दिया हुआ है, कैन यू मैच द टाइल्स विद डिजाइंस? क्या आप टाइल्स को डिजाइन के साथ मैच कर सकते हो? दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, जिसकी वजह से वो फ्लोर के ऊपर बन पाए। ड्रो लाइन्स टू मैच, मैच करना है लाइन्स के साथ इसको। ये फर्स्ट वाला है उसको हम हेक्सागन वाले शेप के साथ मैच करेंगे, ये सेकंड वाला है उसको इसके साथ, थर्ड वाला है उसको इसके साथ और फोर्थ वाला है उसको ये वाले शेप के साथ। चलो नीचे, यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन टाइल्स, आप अपनी खुद की टाइल्स बना सकते हो। एंड यूज देम टू मेक योर ऑन टाइलिंग पैटर्न्स, और उसका यूज कर सकते हो अपनी खुद की टाइलिंग पैटर्न्स बनाने के लिए। यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट ट्रेस एंड फाइंड कलर। आप आपकी बुक में फाइंड कर सकते हो एंड ऑफ द बुक में ऐसी टाइल्स, उसको कट करके ट्रेस करके उसमें कलर करके एक टाइल पैटर्न भी आप बना सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न, ये जो पैटर्न दी हुई है आदि उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ, ये सीधा ट्राइंगल दो बना देना और नीचे ये उल्टे दो ट्राइंगल बना देना, तो हो जाएगी आपकी टाइलिंग पैटर्न कंप्लीट। नंबर 3 है, कंप्लीट दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न है उसको कंप्लीट करना है। कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज 70 विच ऑल्सो यूजेस सिक्स साइड्स शेप। कंपेयर करना है पेज नंबर 70 पे जो पैटर्न दी गई है और उसकी सिक्स साइड के शेप का यूज करके। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू, ये और आगे वाली जो पैटर्न है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो देखिए, ये रही पेज नंबर 70 पे दी हुई टाइल। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये जो पैटर्न है उसमें ट्राइंगल्स अपीयर बिटवीन हेक्सागन, ट्राइंगल है वो हेक्सागन के बीच में दिखाई दे रहे हैं और उसमें ऐसा नहीं है। खुशबू एंड हारिस लिव इन आगरा, खुशबू और हारिस दोनों आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट सी द ताजमहल, वो दोनों एक दिन ताजमहल देखने गए थे। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो, फ्लोर की ऐसी पैटर्न थी जो यहाँ पे दी हुई है। खुशबू बोलती है, आई कैन सी टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न, में दो अलग अलग टाइल्स इस पैटर्न में देख सकती हूँ। तो हारिस बोलता है, आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज, मुझे तो लगता है सिर्फ एक ही पैटर्न की टाइल यहाँ पे यूज की गई है। अभी है टाइलिंग टाइल, द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल, ऊपर वाली जो हमने ताजमहल वाली पैटर्न देखी थी उसमें ऐसी टाइल का यूज किया गया। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप, देखिए यहाँ पे 3 कलर्स ऐसे दिए हुए हैं ये टाइल्स या तो पैटर्न बनाने के लिए। बाय यूजिंग 2 कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स, आप देख सकते हो सिर्फ 2 कलर का यूज करके यहाँ पे अलग पैटर्न बनाई है और ब्लू और येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ऑन पैटर्न, इसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन करके आपको खुद को अपनी पैटर्न बनानी है। आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप, मुझे तो इस शेप में मिठाई दिखाई दे रही है।
हैव यू सीन दिस सेट इन एनी अदर डिजाइन ऑन अ वॉल अ ड्रेस ऑन अ बास्केट अ मैट एक्सेट्रा यस। उसके बाद है ट्रेजर हंट, मतलब एक भूल भुलैया जैसा। फ्रैंक एंड जूहीज मम्मी हैड हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम। फ्रैंक की और उसकी जूही की मम्मा ने दोनों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट छुपा के रखी। बट शी वॉन्ट देम टू फाइंड आउट योर ट्रेजर हंट, बट उसको वो चीज़ ट्रेजर हंट में से ढूंढ के लानी थी। सी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शन हियर, उसने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंकी इन फाइंडिंग देयर गिफ्ट्स, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हो उनकी गिफ्ट फाइंड करने के लिए। देखो ए है स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री, ये रहा टॉलेस्ट ट्री से स्टार्ट करना है। टॉलेस्ट ट्री कहाँ पे है बताइए, ये रहा उससे यहाँ पे स्टार्ट करना है। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, फॉरवर्ड पाथवे पे जाना है, यहाँ पे पाथवे पे जाना है आगे। फिर है फ्रॉम द सिक्स टाइल्स टर्न लेफ्ट, सिक्स टाइल से लेफ्ट टर्न लेना है, 1 2 3 4 5 6 अभी लेफ्ट टर्न लेना है। फिर है आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड, थोड़े से आप स्टेप आगे जाओगे तो आपको फिर से राइट हैंड पे आपको प्लांट दिखेगा, ये रहा थोड़े से आप आगे जाओगे तो आपको राइट हैंड पे प्लांट दिखा। फिर उसके बाद है कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू द प्लांट, आपको चाइल्ड के ड्रेस को कलर करना है जो प्लांट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खेल रहा है, ये रहा तो ये गर्ल है वो खेल रही है तो इसको आप कलर करोगे घर पे। फिर है स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट, आपको फिर से प्लांट से आगे जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है फिर से आगे जाना है। फिर जी है ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट अगेन, फोर्थ टाइल है तभी आपको लेफ्ट जाना है तो यहाँ पे फोर टाइल्स 1 2 3 4 अभी लेफ्ट जाना है। फिर उसके बाद है एच ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फोर टाइल्स ब्रोकन, जब आप जाओगे वो रास्ते पे तो आप देखोगे कि फोर नंबर की टाइल्स है उसका कॉर्नर टूट गया है, तो ये रहा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो इसका कॉर्नर टूट गया है। फिर है आई यू विल फाइंड अ बैट एंड बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक देम अप जस्ट सर्कल देम, आप देखोगे कि वहाँ पे बॉल और बैट ग्राउंड पे हैं, आपको उसको उठाना नहीं है, आपको सिर्फ उसके ऊपर सर्कल करना है, तो ये रहा देखिए तो इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे ओके। फिर उसके बाद है जे मूव अहेड एंड टर्न राइट, आगे बढ़ो और राइट साइड जाओ, आगे बढ़ो और राइट साइड, राइट साइड मतलब ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, राइट कौन सी होगी ये होगी ना, तो ऐसे जाएंगे ना हम चलो। यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री, तो अ फ्यू मैंगो मैंगोज कैन सीन ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री, 11 नंबर का मैंगो हो है उसके उसमें आपको कलर करना है। देखिए यहाँ पे ये टाइल्स टूट गई है उसको राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड मतलब ये राइट हुई ना, लेकिन यहाँ पे मैंगो ट्री लेफ्ट साइड में दी हुई है तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और 11 नंबर का मैंगो है उसमें कलर करेंगे ओके। तो आप इसमें से ढूंढ लेना 11 नंबर का मैंगो कौन सा है, उसमें आप कलर कर देना। उसके बाद है Also draw some grass near the mango tree and start moving again on the path. और आपको mango tree के पास थोड़ा सा grass draw करना है और वहाँ से आगे जाना है, तो grass इसके पास में आप draw कर देना और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। फिर है when you go straight you will find a house, जब आप straight जाओगे तो आपको house दिखेगा, ये रहा house। Behind that house there is a bag. House के पीछे bag है. Open it and you will find something sweet in it. उसको open करो और आपको उसमें थोड़े से sweet दिखाई देंगे. Can you tell what their mother has kept in the bag? क्या आप बता सकते हो कि mother ने उसमें क्या रखा था? देखिए house के पीछे आपको यहाँ पे bag दिखाई दे रहा है. उस bag को खोलना है और उसमें देखना है कि sweet दिया हुआ है मम्मा ने, तो आप बताओ कि मम्मा ने gift में क्या रखा था? स्वीट। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड दिस पार्ट 3 वेरी वेल। थैंक यू।